गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैपिटल बजटिंग हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग मतलब क्या है इसका, कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस का। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैपिटल बजटिंग जब करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इतना इनफ्लोज होगा और इतना आउटफ्लोज होगा, और उस इनफ्लोज और आउटफ्लो के बेसिस पर हम डिसीजन करते हैं। बट हम उसमें इनफ्लो इतना ही होगा ये इस बात की क्या गारंटी है? उसमें रिस्क है कि भाई इतना कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे सपोज कर लो, अगर हम कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये हमारा 60 डेज में बन जाएगा। बट 60 डेज में तब बनता है जब वो आइडेंटिकल सिनेरियो हो। जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो पता चलता है कि लेबर शॉर्टेज है या बहुत सारी इश्यूज हैं, तो उस वजह से वो 60 डेज का 120 डेज या 150 डेज या 1 ईयर तक लग जाता है। तो यही रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग में होती है, वो हम समझेंगे। पहले थ्योरी समझते हैं, इसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, व्हाइल डिस्कसिंग द कैपिटल बजटिंग टेक्निक वी हैव एज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डू नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क एंड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर नोन एंड सर्टेन। इन प्रैक्टिस दिस अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्ट टू वेरियस डिग्री ऑफ रिस्क। देयर कैन बी डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है ना? तो अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में हम समझते हैं। रिस्क क्या होती है, डेफिनेशन समझते हैं। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रिटर्न कंपेयरिंग विद द एस्टिमेटेड रिटर्न। मतलब जो मैंने, सपोज करो आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके 80 मार्क्स आएंगे, एक्चुअल में आए आपके 40 मार्क्स 50 मार्क्स, तो आपने क्या है, वो अपने एक्सपेक्टेशन को डिस्काउंटिंग नहीं करी है, इस वजह से वो दिक्कत आई है। सो मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ रिस्क मेजरमेंट आर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन द रिस्क, इन केस ऑफ रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज नोन व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज When no information to formulate the probability, the situation is referred as uncertainty, ठीक है ना? अगर probability है तो risk है, probability नहीं है तो uncertainty है। बड़ा simple सा fundamental। फिर ये हमारी sources of risk हैं, मैं इसकी heading ही पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक तो project specific risk है, क्या project है, company की risk है, industry specific risk and market risk, ठीक है, कंपटीशन रिस्क, इकोनॉमिक कंडीशन से रिस्क, इंटरनेशनल रिस्क। रीजन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको रिस्क को अपनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में इफेक्ट दे देंगे तो हमारा जो डिसीजन होगा वो रियलिस्टिक होगा, रियलिस्टिक। सो मेन रीजन फॉर कंसीडरिंग आर एज फॉलोज। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व वाइल इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। Adjustment of risk is necessary to help make the decision as to whether the return is proportioned with the risk borne with the and whether it is worth investing in the project, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रिस्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं और इनके बेसिस पर हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है जी? सो तो ये पढ़ते हैं हम लोग, टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये है हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक। दूसरी है कन्वेंशनल टेक्निक और तीसरी है हमारी अदर टेक्निक्स।
ठीक है जी। तीन तरीके की टेक्निक्स दे रखी है। स्टैटिस्टिकल में एक हो जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक होती है आपकी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एक है आपकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ठीक है जी। और जो अदर टेक्निक्स हैं उनमें हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एंड डिसीजन ट्री। तो ये एक तरह से तीन सेगमेंट में हमने बांट दिया। पहला सेगमेंट रखा हमने स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में हमारी ये टेक्निक्स काम करेंगी, कन्वेंशनल में हमारी ये, और अदर्स में हमारी ये, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक एक टेक्निक की हम एक प्रॉब्लम लेते जाते हैं और उसको करते जाते हैं। जैसे पहली टेक्निक आई हमारी प्रोबेबिलिटी, ए में हमने वन ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी को कैसे डिस्काउंटिंग करेंगे कैश फ्लो में समझते हैं। ये इन्होंने देखिए क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ हैपनिंग। तो इन्होंने बताया कि ये तीन केसेस हैं, अगर हम बेस्ट गैस लें तो 3 लाख रुपए कैश फ्लो होगा, हाई गैस लें तो 2 लाख रुपए होगा, अगर लो गैस लें उम्मीद कम करें तो 1,20,000 होगा। और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है वो दे दी। अब इससे मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना चाहूँ कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा तो वो कैसे निकलेगा, चलिए करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यहां पर हम लिख देंगे एजम्पशन, ये हमारा बेस्ट गैस है, ये हाई गैस है और ये लो है। तो इन तीनों सिनेरियो के कैश फ्लो लिख दिए हमने, इसमें 3 लाख, इसमें 2 लाख और इसमें 1,20,000, और तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बेसिकली जो कैश फ्लो इनटू जो आपकी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। सो 90,000, 1,20,000 एंड 12,000, तो 2,32,000 बेसिकली आपका एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी जब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाता है तो हम इससे एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, अब इसी में डिस्काउंटिंग कर दीजिए और आप कैश प्रेजेंट वैल्यू अब कैश आउटफ्लो से माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये इन्होंने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो किया है, ठीक है, सिग्मा कर दिया है। सो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी इसी से निकल आएगी। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं से हम अपनी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की, और उनके साथ साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। ठीक है, पढ़ते हैं। पॉसिबल नेट कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी आर देयर, डिस्काउंट रेट इज दिस, बोथ द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट ए। ठीक है जी, अब इस प्रोजेक्ट ए में हमारे सिनेरियो दे रखे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये पॉसिबल इवेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और उस पॉसिबल इवेंट्स के हिसाब से इन्होंने कैश फ्लो बता रखे हैं 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। ठीक है जी, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है इन्होंने 0.10, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10। तो इससे हमारा एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल आएगा कितना, 800, 2,000, 4,800, 2,800 एंड 1,600। ठीक है जी, सो टोटल करें अगर हम इसका, तो ये अमाउंट कितनी आती है हमारी, ये आ रही है हमारी 12,000। पीवी फैक्टर लगाएं 10% से 1 ईयर का, तो ये आता है 0.909। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ पर होती है हमारी 10908। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये हमारी 10,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई है, 908 रुपये आ रही है, प्लस 908, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही अब हम प्रोजेक्ट बी की निकाल देते हैं। ये पॉसिबल इवेंट्स दे रखी हैं इन्होंने ए बी सी डी ई, और उस पॉसिबल इवेंट्स के कैश फ्लो दे रखे हैं कितने कितने हैं, 4,000, 20,000, 16,000, 12,000 एंड 8,000, और उसके प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है उन्होंने कितनी कितनी है, 0.10, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 400, 3,000, 8,000, 1,800 एंड 800। इसका टोटल करते हैं,
तो ये आता है हमारा 14,000। ठीक है जी, पीवी फैक्टर ले लेते हैं 10% से वन ईयर का 0.909। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगी 12726। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इस प्रोजेक्ट की जो आउटफ्लो है वो कितना है 10,000। 2726 नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बी की ये है और ए की हमारी है 909। सो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज हायर, और जब प्रोजेक्ट बी की एनपीवी हायर है तो उसी को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है उन्होंने, पढ़िए। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, 3 साल की दे रखी है, 1, 2, 3। तो डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड यूजिंग 10% डिस्काउंटिंग रेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है 10 ईयर्स का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 3 साल के दे रखे हैं उन्होंने, तो जब 3 साल के हैं तो तीनों साल के अलग अलग निकलेंगे। सो हमारा क्वेश्चंस का कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, चलिए यहां पे हम लेते हैं ईयर वन, यहाँ लेते हैं हम ईयर टू, यहाँ लेते हैं हम ईयर थ्री। ईयर वन में ये हमारा कैश फ्लो हो जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी, तो ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है, सभी जगह 1, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 ईयर वन ईयर टू में तो यही लिखे हैं। ठीक है, 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000। ईयर थ्री में भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेम ही है, 2, 4 ही है। तो ये हमारे 2,000, 4,000, 6,000, 8,000। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग हैं। ईयर थ्री की प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। सो 0.3, 0.4, 0.2 एंड 0.1। तो ये हमारी आ जाती है 600, 1,600, 1,200 एंड 800। ईयर टू की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 0.4, 0.1। 0.2, 0.3, 0.4, 0.1। 400, 1200,
2400 और ईयर वन की बन जाती है 0.1234 0.1 0.2 0.3 0.4 200 800 1800 3200। अब आप देख लीजिए जो टोटल आएगा ईयर वाइज, इसका आ रहा है हमारा 6000, इसका आ रहा है हमारा 4800 और इसका आ रहा है हमारा 4200। ठीक है जी, ये हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया ईयर वाइज। अब क्या पूछा है तो उन्होंने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। चलिए सो अब यहाँ लिखें ईयर, यहाँ हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यहाँ पर हम लिखेंगे पीवी फैक्टर, तो ये निकल आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ईयर 1 2 3 4 6000 4800 4200 0.909 0.826 0.751। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आती है। तो 6000 × 0.909 ये आ गई 5454, फिर है हमारा 4800 × 0.826 तो ये आया हमारा 3965, 4200 × 0.751 तो यह है हमारा 3154, तो यह है हमारा 12573। ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में दे रखा है 10000 है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई अब 2573। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फ्रेंड्स, तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने बचपन में पढ़ा है, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस है आपकी जो एक्सपेक्टेड फिगर है उनका एस्टिमेटेड फिगर से क्या वेरिएंस है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, अब इन्होंने बोला कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर इन SM1, जो आपकी SM1 में फिगर थी उन पर आप ये निकालिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर रखी हैं, उसी के बेसिस पर हम कर लेंगे। चलिए, तो हम वापस SM1 में जा रहे हैं, ये हमारा SM1 था, आपको याद है, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी। चलिए शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग वेरिएंस। सो ये हमारा वेरिएंस होगा कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको करके। 8000 − 12000 कैश फ्लो इनटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए कितना होगा,
8000 माइनस 12000 इंटू 0.1 प्रोबेबिलिटी बाद में ली जाएगी क्या 16000 नहीं, इसका स्क्वायर करिए फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए। तो अब आएगा 4000 का स्क्वायर इंटू 0.1 तो ये 16 लाख रुपया है, ठीक है जी। ऐसे इसमें करेंगे 10000 माइनस 12000 का स्क्वायर इंटू 0.2 तो 2000 तो ये आएगा हमारा 8 लाख रुपए। फिर ये तो जीरो हो जाएगा, फिर ये भी 8 लाख रुपए आ जाएगा और ये 16 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आएगा 48 लाख रुपए सिग्मा वेरिएंस, ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट 48 लाख। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2190.90, ठीक है जी। अब ऐसे ही यहाँ पे निकालिए वेरियंस, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू नहीं इन इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे करेंगे 4000 माइनस 14000 का स्क्वायर इंटू 0.1 20000 माइनस 14000 का स्क्वायर इंटू 0.15। चलिए इसी तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा 10000 इंटू 10000 इंटू 1 crore, ठीक है जी। प्रोजेक्ट बी में हमारा कितना आ रहा था, 16000। एक मिनट, प्रोजेक्ट बी यही तो डाटा दे रखा था हमको, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी ना कुछ गलती हुई है, मैं बता देता हूँ क्या गलती है, इसीलिए वो थोड़ा सा डाटा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 24000 है, 2000 नहीं है, ठीक है। और अब ठीक है, और ये 8000 है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी फ्रेंड्स, कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 24000, तो जब ये 24000 होगा तो ये 2400 होगा, तो ये 16000 होगा, और जब ये 16000 होगा तो ये आ जाएगा 14544, तो ये आ जाएगा 4544, ठीक है जी। ये 16000 होगा, को मिटा के लिख कर देते,
ठीक है जी। सो दिस विल बी 16,000। चलिए तो इससे अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा 16,000 और ये है 24,000। चलो इसे भी मिटाएं प्रॉपर तरीके से करने के लिए। क्या होता है जब बुक में प्रिंटिंग गलत हुई थी चलिए फ्रेंड्स अब लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 24,000 माइनस 16,000 का स्क्वायर इनटू 0.1। ठीक है तो ये आएगा हमारा 6,40,000। ये होगा 16,000 का स्क्वायर इंटू 0.15। तो 20 माइनस 16 4,000 इंटू 4,000 इंटू 0.15 तो ये हमारा आ जाएगा 24,00,000 रुपए। ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं। तो ये ऊपर वाला होगा 64,00,000 रुपए होगा 64,00,000 8,000 इंटू 8,000 64,00,000 ये निल हो जाएगा। और 20,000 माइनस 16 यानी कि 4,000 तो ये 24,00,000 होगा। और ये आपका 64,00,000 होगा। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या होगा। ओके तो ये आ रहा है हमारा 1,76,00,000 रुपए। इसका टोटल आ रहा है 1,00,00,000। ठीक है। सो ये हमारा सिग्मा वेरिएंस आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अंडर रूट 176 ये आ गया मेरा 4,195.23। ठीक है जी। चलिए थोड़ा इसमें आपको टाइम लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी बट कोई बात नहीं। तो अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अगला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सो अब इन्हीं क्वेश्चन का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल देते हैं। तो अब इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा इसमें
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। स्टैंडर्ड डेविएशन था इसका 2190.90 और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना था 12,000। तो ये हमारा है 0.1826। इसी तरीके से हम इसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 4195.23 अपॉन 16,000। तो ये आता है हमारा 0.2622। तो फ्रेंड ये है, इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसकी रिस्क भी कम है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कम ही आएगी, और इसकी रिस्क भी ज़्यादा होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने जो पहली टेक्निक्स थी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिन्हें हम कहें उनके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चारों तरीके मतलब प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी मेथड जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक से हो। ठीक है, चलिए कन्वेंशनल टेक्निक्स पे चलेंगे हम लोग। कन्वेंशनल टेक्निक्स में एक हमारा आता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, उसमें जो हमारी डिस्काउंटिंग है वो हमारी थोड़ी सी हायर पे कर देते हैं, मतलब जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है उसमें आप रिस्क प्रीमियम जोड़ दीजिए तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट हो जाएगा। तो डिस्काउंटिंग आप करेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पर। पढ़ते हैं एक बार, द यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इन्वेस्टर डिमांड्स हायर रिटर्न फ्रॉम द रिस्की प्रोजेक्ट। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट शुड इंक्लूड कंपेंसेशन फॉर डिलेइंग कंजम्पशन इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस कंपेंसेशन। रिस्क फ्री रिटर्न जो गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दीजिए वो तो रिस्क फ्री रिटर्न है। अब मैं कोई प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ तो उस पर मुझे कुछ तो कंपेंसेशन मिलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। एंड एंटरप्राइजेज इन इन्वेस्टिंग इन 100 लाख रुपीज़ इन अ प्रोजेक्ट, द रिस्क फ्री रिटर्न इज दिस एंड रिस्क प्रीमियम 5-7% है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स है, फॉलोइंग इज द कैश फ्लो, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रिस्क फ्री रिटर्न क्या है प्लस रिस्क प्रीमियम, यही है। तो अब आप यहां पे देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 ईयर्स के कैश फ्लोज हैं, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड रेट 7% और 7% दैट इज 14%। ठीक है, अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। हियर एंड कैश फ्लो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, सो कैश फ्लो दे रखे हैं 25, 60, 75, 80, 65। एक हम पीवी फैक्टर निकालते हैं एट 7% पे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकल आएगी हमारी यहाँ पे। एक हम पीवी फैक्टर निकालते हैं
रिस्क एडजस्टेड रेट पर, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकलेगी रिस्क एडजस्टेड रेट पर, ठीक है। चलिए 7% के जो पीवी फैक्टर आएंगे वो 935, 873, 816, 763, 713 और 14% के आएंगे 877, 679, 675, 592, 519। तो मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 23.38, 52.38, 61.20, 61.04, 46.35 और इसके आएंगे 21.93, 46.14, 50.63, 47.36, 33.74। ये टोटल कर लें तो ये हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। इसका टोटल आ रहा है 244.34 और इसका आ रहा है 199.79। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों में 100 लैक्स है तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारा डिस्काउंट निकाला हमने 7% पे जो रिस्क फ्री रिटर्न है और ये निकाला हमने 14% पे जो हमने मार्केट की जो रिस्क है उसको भी जोड़ दें तो क्या डिस्काउंटिंग आएगी, तब भी ये प्रोजेक्ट करने लायक है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ध्यान से समझें पहले इसको, फिर इसका क्वेश्चन भी करेंगे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में बेसिकली जो आपकी सर्टेनिटी है वो एनालाइज करते हैं कि भाई कितनी आपकी सर्टेनिटी होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं। एज पर सीमा टर्मिनोलॉजी एन अप्रोच टू डीलिंग विद रिस्क इन अ कैपिटल बजटिंग कंटेस्ट, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग रिस्क की फ्यूचर कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ सर्टेनिटी कैश फ्लो। जो आपके रिस्की कैश फ्लोज हैं उनको सर्टेनिटी कैश फ्लो में कैलकुलेट किए जाते हैं, विच वुड बी कंसिडर्ड बाई द डिसीजन मेकर। तो अब जैसे जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालते हैं, यहाँ पर आपको सर्टेनिटी फैक्टर दे रखे होंगे कि भाई ये सर्टेनिटी कॉफिशेंट आपका इतना है, तो आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से सर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करके आपका सर्टेनिटी कैश फ्लो निकल आएगा और फिर उसकी आप डिस्काउंटिंग कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन को समझा के कराता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखे हैं और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशेंट भी दे रखे हैं, तो हमें पूछा है कि भाई इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। जो रिटर्न दे रखा है वो 5% है, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। अब हम समझ रहे हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशेंट। सर्टेनिटी वर्ड से ही पता चलता है कि भाई श्योर कितना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है ईयर, 4 साल का ये प्रोजेक्ट है और 4 साल में जो हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखे हैं, यहाँ है हमारा 10 लाख रुपए, यहाँ 15 लाख, यहाँ 20 लाख और ये 25 लाख रुपए, ठीक है जी। सर्टेनिटी कॉफिशेंट दे रखा है
ये आपका 0.9 है, ये 0.85 है, ये 0.82 है और ये 0.78 है। तो इससे हम निकालेंगे सर्टेन कैश फ्लो कितना है। सर्टेन कैश फ्लो मल्टीप्लाई करके निकल आएगा तो ये आएगा हमारा 9 लाख। 15 लाख इंटू 85 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 12,75,000। 20 लाख इंटू 0.82 करेंगे तो ये हमारा जाएगा 16,40,000। एंड 25 लाख इंटू 0.78 करेंगे तो ये हमारा आएगा 19,50,000। ठीक है जी। अब हम पीवी फैक्टर निकाल देंगे 5% पे, तो 1/1.05 तो ये हमारा आएगा 0.952। ठीक है ना। दूसरा आएगा 0.907, 0.864 एंड 0.823। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकल आएगी। तो ये आ रही है 16,04,270 ये आ रही है 16,14,16,960 ये 1,156,425 एंड ये आ रही है 8,56,800। इसका टोटल करेंगे तो ये हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी। दिस कम्स टू 503,4,55। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 लाख है। तो 534,455 ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सर्टेनिटी कोएफिशिएंट में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को। ठीक है। चलिए अब हम अदर टेक्निक्स देखते हैं। अदर टेक्निक्स में हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम डिफरेंट वेरिएशंस देखते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या हुआ और अगर ये हुआ तो क्या हुआ, उसको भी समझते हैं। चलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लेते हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पर हम करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेंसिटिविटी एनालिसिस पुट इन अ सिंपल टर्म्स इज अ मॉडल टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल्स। मैं कहता हूँ सेल्स मैंने 100 करोड़ ली है, अब अगर इसमें 10% सेल प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, कॉस्ट मेरी 20% से बढ़ जाए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए। तो हर सिनेरियो में हमें अपनी सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, ये इन्होंने बेस डाटा दे रखा है, कैलकुलेट करिए नेट प्रेजेंट, फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी ऑफ अ 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल, विच वेरिएबल इज़ हैविंग द मैक्सिमम इफेक्ट। तो वो कह रहा है हर वेरिएबल पर आप 2.5% का इम्पैक्ट बताइए। ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, बट कोई बात नहीं, करते हैं इसे। ठीक है। ठीक है जी। यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर। ठीक है।
और यहाँ पर हम लिखते हैं जो बेस सिचुएशन है उसके बारे में, पहले बेस को तैयार कर ले, इसके बाद देखेंगे। इनिशियल कॉस्ट 4 करोड़ है, एनुअल यूनिट्स आपकी 5 करोड़ है, सेलिंग प्राइस आपकी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, फिक्स कॉस्ट 50 करोड़ है, डिस्काउंट रेट 6% है, ठीक है। हमें एनपीवी निकालनी है, तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने बोला सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारी है 100 रुपीज़, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल क्या आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, दैट इज 50 रुपीज़, ये पर यूनिट आ गया। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी है 5 करोड़, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन टू 50 करोड़, फिक्स कॉस्ट हमारी है 50 करोड़, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा 200 करोड़ आया, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट हमारा 200 करोड़ आया। चलिए कितने साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल की प्रोजेक्ट की, 5 साल होने चाहिए, कहीं ध्यान नहीं दे रहे, प्रोजेक्ट की लाइफ तो होनी चाहिए ना। चलिए हम इसमें 3 साल का मान के चलते हैं, जो इन्होंने एग्जांपल में ले रखा है, प्रोजेक्ट लाइफ 3 इयर्स ले लेते हैं, 7, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इफ तीन साल चलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर 3 इयर्स का, और कितने परसेंट पे, 6% पर। हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, टेबल हमारे पास है, एन्युटी फैक्टर की ये टेबल हम यहाँ से निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर 6% का 3 इयर्स पे आ रहा है 2.673, सो 2.673, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई करके आएगा 534.60, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुरू में ही दे रखा है 400 करोड़, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई 134.60 करोड़, ठीक है जी। अब हम धीरे धीरे करके इसको करते हैं। पहले हमने लिखा कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इंक्रीज हो गई 2.5% से। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरी इंक्रीज होगी 2.5% सिर्फ ये मेरी 410 करोड़ हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरा मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस मेरी इंक्रीज हो गई है बाय 2.5% से, इंक्रीज नहीं है डिक्रीज, एडवर्स लेने ना मुझे, तो सेलिंग प्राइस डिक्रीज है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 2.5%। अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी
तो अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 97 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है जी। तीसरे केस में मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज है बाय 2.5%। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो ये हो जाएगी 51 रुपीज़ 25 पैसे, ठीक है। चौथे केस में मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज है गई बाय 2.5%। तो फिक्स कॉस्ट ये मेरी इस केस में इंक्रीज होके 51.25 करोड़ हो जाएगी। और पांचवे केस में मैंने लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड डिक्रीज हो गई हैं 2.5% से। तो 5 करोड़ जो यूनिट थी मेरी, ये अब ये बची मेरी 4.875 करोड़। ये 5 वेरिएबल मैंने ले लिए। अब इन 5 वेरिएबल पे मैं डाटा को प्लेस कर देता हूँ। अलग अलग वेरिएबल अलग अलग कलर से लेंगे, 100, 50, 55 करोड़, 250 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 6, ठीक है जी। अब इसको इस कलर से लेते हैं, रेड कलर से ले लेते हैं। चलिए ये होगा 50, तो ये होगा 47.5, ये 5 करोड़ यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 237.5 करोड़। ये 50 है तो ये बचेगा 187.5 करोड़। 2673 है तो ये बचेगा 501.19 करोड़। ये 400 करोड़ है तो ये 101.19 करोड़, ठीक है जी। चलिए जी अब इसको लेते हैं, इस वेरिएबल में चेंज करते हैं तो ये 100 करोड़ है तो ये बचेगा हमारा 48.75। ये 5 करोड़ है तो 243.75, 50 तो 193.75, 2.673, 517.89, 400, 117.89, ठीक है। चलिए अब इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो ये 100, 50, 50, 5 करोड़, 250 करोड़, तो ये बचेगा यहाँ पे 50 फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये बचेगा 198.75 करोड़, 531.26, 400 करोड़, 131.26 करोड़, ठीक है। अगर हम इनको कम कर देते हैं तो ये 100, 50, 50 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 243.75, 50, 193.75, 2.673, 517.89, 400 करोड़, 117.89। तो मैंने हर वेरिएबल में चेंज करके देख लिए। अब मैं देखूं मेरे चेंज क्या हो रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, तो यहाँ देखेंगे तो ये मेरी 7.43% चेंज होती है, ये हो रही है मेरी 24.82%, ये हो रही है 12.41%, तो ये भी 12.41% ही आएगी, और यहाँ पर सिर्फ 2.48% चेंजेज है। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है, दैट इज इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाई 2.5%, इट हैज़ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन एनपीवी। यस तो फ्रेंड थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी आपने देखा कोई ऐसी ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं
सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस जो इसका वर्ड है उसी से समझ में आ रहा है। हम लोग देखते हैं ना, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड मोस्ट लाइकली सिनेरियो, ये हर सिचुएशन में होती है। जो प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पर सिनेरियो के नाम से वर्ड दे देते। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई सिनेरियो आपका, इस सिनेरियो में इतना पैसा इनकम आने चाहिए और इस सिनेरियो में इतनी इनकम आनी चाहिए। तो जो भी सिनेरियोज़ हैं उनके हिसाब से जो कैश फ्लोज हैं उन पे आप डिस्काउंटिंग कर दीजिए, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया है। सो एक्स वाई जेड लिमिटेड इज़ कंसीडिंग अ प्रोजेक्ट ए विद इनिशियल कैश आउटले इज 14 लाख रुपीज़, ठीक है। पॉसिबल थ्री केस कैश इनफ्लो इज दिस, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट, ठीक है जी। चलिए, एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, डिटरमाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू इन ईच सिनेरियो। तीनों सिनेरियो में उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या होगी इफ एक्स वाई जेड इज सर्टेन अबाउट। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये फिर दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तो पहले ये करते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में हमारी क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इन ईच सिनेरियो। यहां पे लिखे हम ईयर, यहां पे लिखे हम पीबी फैक्टर 9% पे, कॉमन है। अब सिनेरियो हम लेते हैं, एक है हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, एक है हमारा मोस्ट लाइकली सिनेरियो और एक हमारा है बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है जी। हर केस सिनेरियो के वो दे रखे हैं इन्होंने। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है तो इनफ्लोज आपके हैं 450, 400 एंड 700। तो ये हमारे कैश फ्लोज आएंगे 450, 400, 700। अगर मैं मोस्ट लाइकली लेता हूँ तो 550, 450 एंड 800। और अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो लेता हूँ तो 650, 500 एंड 900। ठीक है जी, पीवी फैक्टर हमारे पास दे रखे हैं 9% पे। अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 917, ईयर टू का 842 और ईयर थ्री का 772। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाई करके निकल आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 412.65, 336.80 एंड 540.40। इसका आएगा 504.35, 378.90, 617.60 एंड दिस कम्स टू 596.05, 421, 694.80। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, दिस कम्स टू हाउ मच, माइनस 1289.15, 1500.85 एंड 1711.85। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है,
तीनों ही केसेस में 1400 है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें आएगी 100.15, इसमें आएगी 100.85 और इसमें आएगी 311.85। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जो तीनों कैश फ्लो दिए थे उसके बारे में करा। अब पढ़ते हैं, इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन थर्ड ईयर। अब केस इन्होंने बता दिया, ये तो क्वेश्चन ही बदल दिया इन्होंने। अब एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगी? देखिए यहां पे, यहां लिखिए ईयर 1, 2, 3, यहां लिखिए कैश फ्लो। दो साल में इन्होंने कहा मोस्ट लाइकली है, तो यानी कि 500 एंड 450, और 300 में हमने ये ले लिया वर्स्ट वाला केस, ये मोस्ट लाइकली वाला है। ठीक है जी, पीवी फैक्टर हमारा दे रखा है 0.917, 0.842 एंड 0.772। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या आएगा? 504.35, 378.90 एंड 540.40। ठीक है जी, सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये आएगी हमारी 1423.87। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा है 1400, तो 23.87 ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली, वो भी पॉजिटिव। तो अगर ये सिनेरियो भी होता है जो क्वेश्चन में दिया है, उसमें भी हमारी पॉजिटिव नेट फ्री वैल्यू आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने सिनेरियो एनालिसिस को समझा है। आई होप सो अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये हमारा सिमुलेशन कॉन्सेप्ट है। ये सिमुलेशन आपका एग्ज़ाम में भी आता है, फाइनल में भी है ये टॉपिक, तो इसको पहले हम समझते हैं क्या होता है सिमुलेशन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक आइडेंटिकल सिनेरियो देता हूँ। सिमुलेशन का मतलब है एक्सपेक्टेशन, सिमुलेशन का मतलब है एस्टीमेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी आपको। सिमुलेशन का मतलब है एस्टीमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा या हिस्टोरिकल डाटा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो एक हम इंडस्ट्री देखते हैं कि भाई एक विलेज में पॉपुलेशन 54% 55% मेल हैं और 45% फीमेल है, तो दूसरे विलेज में हम जाते हैं तो हम उसकी टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख है, तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि 4.5 लाख रुपए के 4.5 लाख के आसपास तो यहाँ पे लेडीज़ होंगी। अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 80% मेल हो जाएंगे और 20% फीमेल हो जाएंगी। ऐसे ही हम एक मान लीजिए क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं और वो उन्होंने 10th में एग्ज़ाम दिया है। हमारे पिछले साल का रिकॉर्ड है कि एवरेज 80% बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, तो इस साल हमने 50 बच्चे हैं तो हमें ये पता है कि 40 बच्चे आसपास फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। ऐसा होगा
कि सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में जाएँ, या ऐसा होगा कि कोई भी बच्चा नहीं आए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पास्ट डाटा को कोरिलेट करके सिस्टमेटिक वे में हम एक एस्टिमेशन निकालते हैं। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन में सबसे पहले हम स्टेप वन में निकालते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम लोग रैंडम नंबर रेंज, रेंज प्रिपेयर करते हैं पहले केस में। फिर दूसरे स्टेप में हम एस्टीमेट करते हैं ऑफ सिमुलेटेड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रैंडम नंबर्स। ठीक है, चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, कंसेप्ट अच्छा है, सीए फाइनल में ये तो एक पूरा चैप्टर ही है। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हैं और ये इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोजेक्ट लाइफ्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उस पर हम रैंडम नंबर रेंज एलोकेट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो स्टेप वन, रैंडम नंबर रेंज एलोकेट करने का है। यहां पे हम दे रहे हैं एनुअल कैश फ्लोज के लिए और ये हमारी प्रोजेक्ट लाइफ के लिए हमें है। ठीक है जी, चलिए यहां पे लिखेंगे हम कैश फ्लो, यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज और फिर उसमें रैंडम नंबर जो एलोकेट होंगी वो करेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं। वैल्यूज लिख ले 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 02, 03, 015, 015, फिर है 30, 20, 50। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी 0.02, 0.05, 0.20, 0.35, 0.65, 0.85 एंड 1.00। रैंडम नंबर हमेशा 0 से 2 डिजिट रैंडम नंबर अलॉट कर रहे हैं, तो 00 से स्टार्ट होगा, तो 00 से 01, फिर 02 से स्टार्ट होगी, ये जाएगी 04 तक, 05 से 19, 20 से 34, 35 से 64, 65 से 84 एंड 85 से 99। ठीक है जी, चलिए इसमें देख लेते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ लिख लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो यहाँ से हम रैंडम नंबर एलोकेट कर देंगे। चलिए इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ईयर हो सकती है।
इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.10, 0.30, 0.25, 0.15, 0.10, 0.03 एंड 0.02। सो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.15, 0.45, 0.70, 0.85, 0.95, 0.98, 1.00। तो रैंडम नंबर एलोकेट करेंगे 0.0 से लेके 0.4 तक, 0.5 से लेके 1.4 तक, 1.5 से 4.4, 4.5 से 6.9, 7.0 से 8.4, 8.5 से 9.4, 9.5 से 9.7, 9.8, 9.9। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर ये 0.0 से कैसे अलर्ट कर रहे हैं, इसको समझा देते हैं। अगर मैं कहता हूँ वन डिजिट नंबर निकालनी है तो वो कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितनी हुई 10। जैसे ही 10 हो जाएगा आपकी टू डिजिट रैंडम नंबर होगी। तो अब हम टू डिजिट रैंडम नंबर की बात करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 00 से, 01, 02, और ये कहाँ तक जाएगी, 99 तक। अगर हम थ्री डिजिट रैंडम नंबर की बात करेंगे तो वो स्टार्ट होंगी 00 से, 001, 002, और ये कहाँ तक जाएंगी, 999 तक। तो चूंकि परसेंटेज हमारी 100 होती है, मतलब हमें 100 रैंडम नंबर अलॉट करनी थी, इसलिए हमने 00 से स्टार्ट किया। समझ रहे हैं आप, चलिए। अब इसके बाद हमारी इस रैंडम नंबर प्लस जो गिवन रैंडम नंबर्स हैं उनके बेसिस पर हम अपना अलॉटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने जो रैंडम नंबर जनरेट की हैं वो इतनी हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको टेबल फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। हम जैसे एक फॉर्म नंबर ये ले लेते हैं कि ये हमारी कैश फ्लो की है, और दूसरी रैंडम नंबर हम मान लीजिए प्रोजेक्ट लाइफ की ले लेते हैं, या एनी फॉर्म। नॉर्मली क्या है, अलग अलग रैंडम नंबर्स दे रखी होती हैं। ठीक है, कि भाई इसकी ये रैंडम नंबर्स हैं, इसकी ये रैंडम नंबर्स हैं। चलिए, तो अब हम निकाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं ट्रायल। रैंडम नंबर्स हमने ले ली ये कैश फ्लो की, इससे हमारा कैश फ्लो आ जाएगा, और ये रैंडम नंबर ले ली हमने आपकी लाइफ की, तो इससे हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए 10 ट्रायल लेते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो पहली रैंडम नंबर
हमें दो डिजिट लेनी है तो पहली दो डिजिट ले लेंगे, 53 और 81, ठीक है। दूसरी लें 98 12, तीसरी रैंडम नंबर 59 97, चौथी रैंडम नंबर 70 58। आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कोई उसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। पांचवी रैंडम नंबर 91 26, पहली दो डिजिट ले रहे हैं। फिर छठवीं रैंडम नंबर है 66 38, फिर है 74 71, ठीक है 84 99, एंड 75 03, और लास्ट रैंडम नंबर हम ले लेते हैं 43 83। हम और भी आगे जनरेट कर सकते हैं, ट्रायल कितने भी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसके हिसाब से मेरा एनुअल कैश फ्लो क्या आएगा और इसके हिसाब से मेरी प्रोजेक्ट लाइफ क्या आएगी, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट लाइफ के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप 53 है तो 53 आप देखिए रैंडम नंबर रेंज में कहाँ पर आ रहा है, तो 53 आ रहा है इस रेंज में, रैंडम नंबर रेंज में 53 इसका मतलब है 53 के हिसाब से हमारा कैश फ्लो कितना आएगा 30,000। अब 81 रैंडम नंबर रेंज इनमें देखिए कहाँ पर आ रही है, सो 81 रैंडम नंबर रेंज हमारी आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब है मेरी प्रोजेक्ट लाइफ कितनी होगी 7 ईयर होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम उसमें से पुरानी जो टेबल है उसमें से हम अपनी रेंजेस लिख सकते हैं। जैसे 98 है तो 98 हमारी आ रही है 40,000, और 12 आ रहा है हमारी लाइफ 4 ईयर में, फिर 59 दैट इज़ इन 30,000, और 97 इट मींस 9 ईयर्स, फिर 70 आ रहा मेरा 35,000, एंड 58 दैट इज 6 ईयर, फिर 91 आ रहा है हमारा 40,000 की रेंज में, और 26 जो है दैट कम्स इन 5 ईयर रेंज, 66 कम्स इन 35,000 रेंज, एंड 38 इज इन 5 ईयर, फिर 74 35,000 रेंज, एंड यहाँ 71 7 ईयर, फिर ये 35,000, 99 10 ईयर, फिर ये 35,000 03 3 ईयर्स, एंड 43 ये है आपका किस रेंज में 30,000 की रेंज में, और 83 ये आपका है 7 ईयर की रेंज में, ठीक है। अब आपको पीवी फैक्टर निकालने हैं 10% के, 10% पे 7 साल का पीवी फैक्टर निकाल लें, तो ये सारे 10% के रेट दे रखे हैं। देखिए 7 साल का है हमारा हाउ मच
4.868, ठीक है जी। और ऐसे ही अब है 4 साल का 10% है 3.17, ठीक है जी। फिर 9 साल का 5.759, छः साल का 4.355, 5 साल का 3.791, 7 साल का 4.868, 10 साल का देखें तो 10 साल का है 6.145। ओके, अब हमें देखना है 3 साल का 2.487, दिख गया। चलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो आपको दे रखा है तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हर सिनेरियो में। चलिए कैश आउटफ्लो कितना है देख लें। कैश आउटफ्लो है 1,30,000, अब देखिए 30,000 इंटू 4.868 ये आ रहा हमारा 146040, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 16,040। अब 40,000 इंटू 3.17 तो दिस कम्स टू 126800, 1,30,000 तो -3200। 30,000 इंटू 5.759 तो ये आ रहा हमारा 172770, 1,30,000 42770। फिर 35,000 इंटू 4.355 तो ये आ रही हमारी 152425, 1,30,000 22425 नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर 40,000 इंटू 3.791 सो दिस कम्स टू 151640, 21640। 35,000 इंटू 3.791 तो दिस कम्स टू 132685, 1,30,000 2685, ठीक है जी। ये हमारा था 4.868, सो दिस कम्स टू 170380, 1,30,000 40380, ठीक है। 35,000 इंटू 6.145 ये आया 215075, 1,30,000 85075, ठीक है। 35,000 इंटू 2.487 तो ये आया हमारा 87045 -130,000, सो ये आएगा -42955। एंड 30,000 का ये हमारा आ रहा है 146040, 1,30,000 तो ये आ रहा है हमारा 6040। तो आपने क्या देखा कि आपके पास अगर प्रोजेक्ट आपकी लाइफ 3 साल है तो भी नेगेटिव है, 4 साल है तो नेगेटिव है, ठीक है। 5 साल का प्रोजेक्ट है तो चांसेस हैं कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो में बच जाए, बट मैक्सिमम देखें कितने पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पॉजिटिव हैं। नेगेटिव कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि आप ये प्रोजेक्ट आपका अच्छा हो। ये आपका सिमुलेशन कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इसमें डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में
हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस को जो हमारे पास सिनेरियो होते हैं उसके बेसिस पर हम डिसीजन ट्री निकालते हैं कि भाई अगर ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो इस चीज में क्या सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। और फिर हर एक सिनेरियो की हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल के एक कैश फ्लो निकाल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पढ़िए क्वेश्चन, ये हमारे लिए दे रखे हैं कि भाई आपका पहले साल में 50,000 कैश फ्लोज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरे साल में अगर 50,000 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है और उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इस केस में हमें एक तो डिसीजन ट्री बनाना है, फिर इसके बाद एनपी भी निकालनी है, बेस्ट आउटकम निकालना है और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, पहले तो हमें डिसीजन ट्री बनाना है। ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए, इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो हमारा कितना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में दे रखा है, ऊपर दे रखा है, अ फर्म हैज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 80,000। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विद सेल्वेज वैल्यू, नो सेल्वेज वैल्यू। इन ईयर वन देर इज 40% प्रोबेबिलिटी दैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 50,000 एंड 60% प्रोबेबिलिटी दैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 60,000। द प्रोबेबिलिटी असाइंड टू कैश फ्लोज इन ईयर टू आर इज दिस। तो देखिए यहाँ 80,000 है, यहाँ कैश फ्लो 50,000 होगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस बात की 60% प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ कैश फ्लो 60,000 होगा तो अब ये प्रोबेबिलिटी 40% बची। अब अगर ये 50,000 होगा तो 24,000, 32,000 और 44,000 होने की प्रोबेबिलिटी फिर ये दे रखे हैं, 24,000, 32,000, 44,000, ठीक है जी। कितनी है, 0.2, 40% होगी और ये 60% होगी, ठीक है। बुक में यहाँ 40 है, ऊपर सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया, नीचे रिटर्न में सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद 20, 30, 50, इसकी प्रोबेबिलिटी 20%, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% और इसकी प्रोबेबिलिटी 50%, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% और इसकी प्रोबेबिलिटी 60%। अगर हमारा 60,000 होता है तो फिर 40, 50 और 10 होने चाहिए, ये भी 0.1 है। तो 40,000, 50,000 और 60,000 इनफ्लोज आएंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.5 एंड 0.1 है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी 1 है और ये आपकी प्रोबेबिलिटी 2 है। इनसे हम दोनों को जोड़ के एक हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 0.4 इंटू 0.2 1.08, 0.4 इंटू 0.3 ये हमारी जाएगी 0.12, 0.4 इंटू 0.5 ये आ गई हमारी 0.20, ठीक है। इसके बाद 0.6 इंटू 0.4 ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.24, 0.30 एंड 0.06, ये हमारी 1 प्रोबेबिलिटीज हो गई है।
ठीक है जी। अब इसके बेसिस पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। छह सिनेरियो बन गए हमारे, तो छह सिनेरियोज की छह एनपीवी बनेंगी और फिर छह एनपीवी की छह हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट होंगी। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ ईयर वन और यहाँ लेता हूँ मैं ईयर टू, तो ये हमारा जाएगा ईयर वन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ईयर टू का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो ये आ जाएगी हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ये कैश आउटफ्लो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में भी अभी हमने निकाली है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। चलिए करते हैं इसको। छह पाथ बन गए हमारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक है 50,000 जाए और 24,000 बने, दूसरा 50,000 32, 30,000 50,000 44,000। तो करते हैं इसको तब समझ में आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पहले साल 50,000 हो और दूसरे साल 24,000 हो, पहले साल 50,000 हो और दूसरे साल 32,000 हो, पहले साल 50,000 हो और फिर 44,000 हो, ऐसे ही है। फिर पहले साल 60,000 हो और फिर 40,000 हो, 60,000 हो और 50,000 हो और 60,000 हो और 60,000 हो, ठीक है। इसमें करेंगे हम 10% से 0.909 से, ये प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। इसमें सेकंड ईयर में हमारा जो पीवी फैक्टर आएगा वो आएगा 0.826, देखिए अभी हमने प्रोबेबिलिटी कोई नहीं लगाई, प्रोबेबिलिटी हम बाद में लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 45,450 और इसकी वैल्यू आएगी 19,824, टोटल आया 65,274, आउटफ्लो आपका है 80,000, तो नेगेटिव आया 14,726। पहले पाथ की जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी 0.08, यहाँ पे आएगी 45,450, ये वैल्यू आएगी 26,432, सो दिस कम्स टू 71,882, 80,000 आपकी आउटफ्लो है, तो ये आएगा -8,118 और सेकंड पाथ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.12, ये आएगी 45,450 और ये होगी 36,344, तो ये टोटल हो जाएगा 81,794, 80,000 की आपकी आउटफ्लो है तो 1794 और 1794 करते हैं, तो तीसरी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी वो थी हमारी 0.20, ठीक है जी। ऐसे ही अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 54540 तीनों साल में। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ रही है 36,344, तो टोटल हो जाता है हमारा 87,580, आउटफ्लो हमारा 80,000 है तो प्लस का 7,580 है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो
इस सिनेरियो में थी वो 0.24 थी, इसकी वैल्यू आ जाती है 33040। नहीं 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 50,000 है ना, ये होगी 33040, ये होगी 41300, तो इसका आएगा 95840। 80,000 आपका आउटफ्लो है, तो 15840, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.30, एंड इसकी वैल्यू आती है 49560, तो दिस कम्स टू 104100। 80,000 आपका आउटफ्लो है, 24100, और लास्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.06 है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज थी, ये प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ लिख दी। अब इनसे मल्टीप्लाई करके हम अपनी एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकते हैं। सो इसमें आएगी -1178, ये आएगी -974, ये आएगी +358, ये आएगी +1819, ये आएगी +4752, और ये आएगी +1446। तो सबका इम्पैक्ट देखेंगे तो ये 6224 के आसपास आएगी हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्री में हमारे पास जो सिनेरियोज होते हैं ये दिए थे, उस बेसिस पर हम ये एक ट्री फॉर्म कर लेते हैं, और इससे हमारी ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ निकल आती हैं, और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हम जो लास्ट में सारे परमुटेशन से जो लास्ट में हमारी एनपीवी आ रही उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि रिस्क एनालिसिस करने में ये तीन टेक्निक्स आपकी यूज़ होती हैं, स्टैटिस्टिकल में प्रोबेबिलिटी, वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में, जब हम उसमें पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एनपीवी निकल आती है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में, रिस्क फ्री रेट में हम रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स में हमारे पास सी फैक्टर दे रखे हैं तो हम उससे मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लो निकालते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने देखा कि हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि हमारा एनपीवी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिनेरियो एनालिसिस में हमने बताया कि आपको बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दे रखे होंगे, उस केस में आप अलग अलग सिनेरियो में अपनी एनपीवी निकालेंगे। सिमुलेशंस में हमने समझा कि रैंडम नंबर हमें दी रहती हैं तो पहले हम रैंडम नंबर रेंज बनाते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, उसके बाद जो हमने रैंडम नंबर है उनको कंसीडर करके हम अपने आउटकम्स निकालते हैं। एंड डिसीजन ट्री में देखा कि हमारे पास जो जो केसेस दे रखे हैं, जैसे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके बेसिस पर हम एक आउटकम निकालते जाते हैं और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और फिर वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी सारे आउटकम्स की एनपीवी निकाल के उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी फाइनल एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल आती है। तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, इनमें से ही कोई क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार सारी चीज़ें दोबारा से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।